राजा भोसडी के भाई लोग क्या हाल चाल है, होपफुली सब बढ़िया होगा। देखो फिलहाल के लिए मेरा इस वन स्टार लग चुका है। आप लोग का रैंक एंड टीयर क्या चल रहा है वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अभी कल मैंने ना टोटल 6 गेम में 100 का प्लस निकाला था। अभी आप लोग बोलोगे कि ऐसा मतलब कुछ भी मत बोलो, तो मैं आप लोग को इसका मतलब प्रूफ भी दिखा देता हूँ। अभी आपको 6 गेम्स के मतलब करियर रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे, आप खुद ही काउंट कर लेना कि कितने पॉइंट्स में प्लस किया। एंड अगर आपकी थोड़ी बहुत मैथ्स खराब है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी कल 6 गेम में अपन ने टोटल 100 का प्लस निकाला। अब किस तरह से अपन ने निकाला उसकी बात करते हैं। तो देखो मैं एक पर्टिकुलर टाइम पे खेल रहा था कि ये टाइम पे अच्छा प्लस मिलेगा मेरे को, तो अगर आप जानना चाहते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो। मैं कल वाली वीडियो में आप लोग को बता दूंगा कि कौन सा टाइम बेस्ट है गेम खेलने के लिए, जिससे कि आपको अच्छा खासा अमाउंट में प्लस मिलेगा, तो मैं आपको कल वाली वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल के लिए अपन ने 100 का प्लस किया, जिसमें से कि ये दोनों गेम प्लेस रहने वाले, एंड दोनों के दोनों जो गेम प्लेस रहने वाले वो सर्वाइवल के ऊपर रहेंगे, सर्वाइवल प्लस किल्स भी रहेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी किल्स नहीं है। यहाँ पे अपन फिलहाल के लिए जोन जो था वो इधर अपनी ओल्ड ड्रॉप लोकेशन की तरफ था, तो यहाँ पे मेरे को ये वाला शायद खाली मिल जाता है। यहाँ पे आकर अपन थोड़ी देर होल्ड करते हैं, एंड जैसे यहाँ पे अगला जोन शिफ्ट होता है तो अपन जोन के साथ ही मतलब एक अच्छी पोजिशन ढूंढने के लिए यहाँ से निकल जाते हैं। अब गैस अभी जोन में तो कोई सा भी घर खाली नहीं था, क्योंकि लेफ्ट साइड में जितने भी घर थे वहाँ पे भाई कोई ना कोई गोलियाँ चला रहा था, तो सबके सब घर पे भाई एक एक बंदा बैठा हुआ था। जो घर मैं होल्ड करना चाहता था वहाँ पे भी एक डीपी वाला बंदा जाके बैठ चुका था, एंड मैं फिलहाल के लिए ये वाला शैक आके होल्ड करता हूँ, क्योंकि ये शैक जोन के एज पे था, जोन के अंदर नहीं था, लेकिन मैं इधर वेट करके बैठा था कि जैसे इधर जोन स्टार्ट होगा उसके बाद अपन डिसाइड करते हैं कि कहाँ जाना है। फिलहाल के मेरे को सामने वाले घर में एक बंदा दिखता है। अब वो जो बंदा था वो इधर मेरे पे फायर ले रहा था खिड़की पे ऊपर खड़े खड़े, एंड अचानक से उसकी फायरिंग बंद हो जाती है। उसी टाइम पे लेफ्ट साइड से एक फायरिंग आती है, तो मैं समझ गया कि भाई वो बंदा इधर निपट गया, लेकिन फिर भी मैं इधर थोड़ा बहुत कंफर्म कर रहा था। एंड मैं इधर मार्क करके देखता हूँ कि वो वाला घर जोन में है कि नहीं, एंड मेरे को मतलब इतना तो कन्फर्म था कि वो बंदे को उधर लेफ्ट साइड वाले बंदे ने निपटा दिया। तो यहाँ पे आपका थोड़ा बहुत गेम सेंस काम आता है कि किस तरह से आपका गेम सेंस काम कर रहा है। मेरे को पता था कि ये बंदा तो इधर निपट गया है, तो ये घर खाली होगा, तो मैं तुरंत ही बग्घी लेके भाई ये वाले घर पे आ जाती हूँ, क्योंकि ये वाला घर जो था वो जोन में था। तो अभी अपने को फ्री में ही जोन के अंदर एक अच्छी पोजीशन मिल चुकी थी। ये बंदे को आके लूटता हूँ तो भाई एकदम ही खतरनाक वाली लूट थी ये बंदे पे। ये बंदे को लूट के भाई यहाँ पे अपन होल्ड करते। अब ये बंदे को लूट के ना मैं ये वाले छोटे वाले रूम में आ जाता हूँ, क्योंकि सामने की साइड जो टावर था वहाँ पे मेरे को एक बंदा स्पॉट होता है। अब कैसे कि यार आप राइट साइड में थोड़ा सा गौर करोगे तो राइट साइड के पेड़ पे एक बंदा आया है। वो टाइम पे मेरे को नहीं पता था कि राइट साइड पे एक बंदा है, लेकिन अभी थोड़ा बहुत नेड़ा नेड़ी स्टार्ट होती है इधर, तो मेरे को थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि भाई सामने की साइड दो बंदों की फाइट चल रही है। अब जैसे राइट साइड वाला बंदा स्पॉट होता है तुरंत ही उसको निपटा देता हूँ। उसके बाद सीधा मैं ये टावर वाले बंदे को देखने लगता हूँ, लेकिन वो जो टावर वाला बंदा था वो इधर ऑलरेडी जोन में था एंड एक अच्छी पोजीशन पे था, तो भाई उसको तो भाई कुछ नहीं कर सकते अपन। फिलहाल के लिए जोन क्लोज इन हो रहा था, तो मैं जोन का थोड़ा बैक साइड देख रहा कि अगर कोई बंदा पीछे साइड से आए तो उसको मैं फ्री का किल समझ के उठा लूँ, लेकिन पीछे साइड से तो कोई भी नहीं आता, तो वापस से मैं अपनी पोजीशन आके पकड़ लेता हूँ। थोड़ी देर इधर अपन होल्ड करते हैं। अब यार सामने वाले रिच पे मेरे को एक बंदा ओपन में स्पॉट होता है, जिसपे कि मैं स्प्रे लेता हूँ। वो बंदा किसी पे ऑम चला रहा था, अगर एक और गोली लग जाती तो शायद से ये बंदा बच जाता, लेकिन ये जो बंदा था वो इधर 1 HP बच के भाई कवर में चला जाता है। अब इधर अगला जोन स्टार्ट होने वाला था, जोन जो था वो पूरा का पूरा ओपन में था, तो मैं ये बंदे के क्रेट लूट के भाई अच्छे खासे अमाउंट में स्मोक्स एंड ग्रेनेड्स उठा लेता हूँ एंड जोन के लिए निकल लेता हूँ। और अभी देखो कहाँ पे जाके अपन होल्ड करते हैं। अब गाइस जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ पीछे की साइड से एक बंदा मेरे पे स्प्रे लेता है, तो मैं समझ गया कि भाई यहाँ पे होल्ड करना थोड़ा सा खतरे से खाली नहीं है, तो मैं ये वाले नीचे वाले पेड़ पे आ जाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आके जैसे होल्ड करता हूँ लेफ्ट साइड से मैं ओपन था, तो मैं सोचा कि एक आध स्मोक वहाँ पे कर देता हूँ, लेकिन जैसे मैं वहाँ पे स्मोक करता हूँ वहाँ पे जो बंदा था वो इधर जोन के लिए निकल लेता है।
अब यार ये जो बंदा था वो इधर मेरे सामने की साइड आके रुक जाता है, तो मैं उसको तुरंत ही निपटा देता हूँ। अब इधर जोन में टोटल और 3 बंदे बचे थे। राइट साइड में शायद से 2 बंदे की फाइट चल रही थी, तो मैं वहाँ पे देखता हूँ अगर कोई बंदा स्पॉट होता है, लेकिन वहाँ पे तो कोई स्पॉट नहीं होता। अगला जो जोन था वो इस तरह से बना था कि क्या ही बताओ, एकदम ही अटपटी जगह पर बना था। तो अभी इधर मेरे को जोन में तो जाना था, लेकिन ऐसे भी सीधा का सीधा अगर जोन में चला जाऊँगा तो भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जोन ही ऐसी जगह पर बना है कि कहीं से भी तुमको पड़ सकती है। तो मैं ये वाले पेड़ के कवर में आके रुक जाता हूँ जब तक कि अगला जोन स्टार्ट नहीं होता। अब यार ये जो गिली सूट वाला बंदा था उसको मैं एक हेड दे चुका था, तो मैं सोचा कि इस पर तुरंत रश कर देते, लेकिन जैसे उस पर रश करने जाता हूँ राइट साइड वाला बंदा मेरे पे स्प्रे लेता है एंड मेरे को हाफ एच पी कर देता है। तो अभी इधर मैं पूरा का पूरा सैंडविच सिचुएशन में आ जाता हूँ। अब यार ऊपर वाले बंदे के पास पूरा का पूरा एडवांटेज था, तो भाई उससे भी बचना था एंड राइट साइड वाले बंदे से भी बचना था। तो सबसे पहले तो मैं राइट साइड में एक स्मोक कर देता हूँ ताकि वो बंदे से मैं बचा रहूँ एंड आ जाता हूँ ये वाले पेड़ पे। लेकिन जैसे यहाँ पे आता हूँ सो गाइस अभी इधर मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं थी, क्योंकि दोनों साइड से सैंडविच हो चुका था। मैं अगर राइट साइड वाले बंदे से बचता तो लेफ्ट साइड वाला मारता एंड अगर लेफ्ट साइड वाले से बचता तो राइट साइड वाले से मारता, मतलब दोनों तरफ अपनी मौत तो पक्की थी। तो बस अभी क्या कर सकते, मैं सोचा कि एक बंदे को अगर मार सकूँ तो ट्राई करता हूँ, लेकिन मार नहीं पाता। अभी दूसरे गेम की बात करें तो देखो ये गेम में भाई थर्ड जोन तक मैं इधर जोन के बाहर होल्ड कर रहा था, फोर्थ मतलब थर्ड जोन इधर क्लोज इन हो रहा था, फोर्थ जोन बनने वाला था। तो मैं सोचा कि जैसे फोर्थ जोन बनेगा अपन सीधा का सीधा एक अच्छी पोजीशन होल्ड कर लेंगे, क्योंकि अच्छी लॉबी में भाई अच्छे थोड़े बहुत किल्स के साथ अगर अच्छी खासी पोजीशन निकालोगे तो वो गेम में आपको बहुत अच्छा प्लस मिल सकता है, वो भी आपको ये गेम में देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए अपन जोन के अंदर जा रहे थे, जोन में जाने से पहले मैं अपने आप को फुल्ली हील कर लेता हूँ, क्योंकि अगर जोन के अंदर जाने के बाद अगर तुम हील करोगे तो वहाँ पे कोई ना कोई बंदा तुम्हारा वेट करके जोन के एज पे बैठा होगा। तो जोन के अंदर जाने से पहले एक बार ट्राई करो कि जोन के बाहर ही अपने आप को हील कर लो, उसके बाद ही जोन के अंदर जाओ। अब यार जैसे इधर जोन में घुसता हूँ तो ये M24 वाला बंदा मेरे को मिल जाता है। अभी पता नहीं ये क्या चाहता था, इसकी M249 में शायद से पूरी की पूरी 150 गोलियाँ थी एंड भाई लॉन्डे ने सारी की सारी मेरे पे उतार दी, मेरी बग्घी फूट ही जाती, लेकिन जैसे तैसे भाई अपन बच के जोन में आ चुके थे। अब इधर सीन ऐसा था कि मेरे को भाई बग्घी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि बग्घी जो है वो भाई अगर कोई बंदा ठीक से स्प्रे लेगा तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। तो मैं वहाँ से सीधा आ जाता हूँ ये वाले जगह पे, क्योंकि यहाँ पे एक बग्घी थी। तो ये बग्घी उठा के जैसे मैं निकलता हूँ यहाँ से राइट साइड में मेरे को एक बग्घी पे दो टीमअप वाले बंदे दिखते, तो मैं सोचा कि एक हाथ को तो आज निपटा ही दूंगा। अब एक बंदा फायर लेने के लिए भाई अपनी मुंडी बाहर निकालता है एंड उसी का फायदा उठा के भाई अपन उसको इजीली किल कर देते। अभी दूसरा जो बंदा था उस पर मैं स्प्रे लेता हूँ, लेकिन बंदा जो था वो बच के निकल जाता है। अभी इधर जोन क्लोज इन हो रहा था, मेरे को जोन में एक अच्छी पोजीशन ढूंढनी थी, क्योंकि यहाँ पे मतलब कहीं पे भी ऐसे सीधा होल्ड नहीं कर सकते। अभी भी जोन में 19 बंदे थे, तो अपन आ जाते घूम फिर के ये वाले पत्थर पे एंड फिलहाल यहाँ पे होल्ड करते जब तक कि जोन शिफ्ट नहीं होता। अभी भी गाइस जोन स्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम था नहीं, 10 सेकंड बाकी थे, तो मैं सोचा कि जोन के साथ ही निकलूंगा, लेकिन राइट साइड में ऊपर की साइड ये मैक्लारेन वाला बंदा आ जाता है। तो मैं सोचा कि ये बंदा रुक के मेरे को मारने का ट्राई करेगा, इससे अच्छा मैं जल्दी से वहाँ से निकल लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ से निकल रहा था यहाँ पे मेरे को एक बंदा मिलता है जो कि मेरे पे स्प्रे लेता है, तो भाई जैसे तैसे इससे बच के भाई जोन में मैं पहुँच जाता हूँ। लेकिन अभी इधर सीन आ जाता है कि जोन पे कहाँ पे होल्ड करना है वो मेरे को देखना था, तो अभी देखो कहाँ पे अपन होल्ड करते हैं। अब इधर जोन में आके मैं होल्ड किया ही था कि जोन के बाहर के साइड जो बंदा मेरे पास फ्री ले रहा था वो इधर जोन में आता है एंड भाई मैं उसको तुरंत ही निपटा देता हूँ। अब इधर इसको निपटाने के बाद ही अपने लिए एक रास्ता साफ हो गया था कि चलो पीछे की साइड कोई नहीं है, तो मैं अपनी बग्घी तुरंत उठाता हूँ एंड जोन में किस तरह से बग्घी लगाता हूँ कि किसी भी साइड से मेरे को पड़े ना। एंड फिलहाल फिर ये बंदे की पेटी भी लूटनी थी मेरे को, तो स्मोक वोक करके इसको लूटते एंड जोन के साथ वापस से अपन यहाँ से शिफ्ट लेंगे।
जोन में टोटल चार बंदे बचे थे। तीनों के तीनों बंदे पता नहीं मेरे को कहाँ पे थे। इतना मेरे को पता था कि सामने वाले घरों पे एक या दो बंदा तो होगा, एंड एक और बंदा जो बचता है वो कहाँ पे वो मेरे को नहीं पता था। तो मैं जैसे तैसे भाई जोन के एज पे मेरे को ये वाली जगह मिल जाती। यहाँ पे आकर थोड़ी देर होल्ड करता हूँ तो देखो यहाँ पे मेरे साथ क्या सीन होता है। सामने की साइड जो घरों पे बंदा था वो इधर मेरे को एक MG3 का हेड लगा देता है। मैं इधर बाल बाल 1 HP बचता हूँ। अगर मेरे पास लेवल 3 का हेलमेट नहीं होता एंड अपना मैं क्या बोलते हैं फुल्ली बूस्टेड नहीं होता तो भाई पक्का ही मैं इधर निपट जाता। इसलिए मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि हमेशा ही लास्ट जोन में अपने आपको फुल्ली बूस्टेड रखो। फिलहाल के लिए ये जो बंदा था ना वो इधर मेरे को गड़बड़ लग गया था, एंड आगे जाके मेरे को पता भी चलता है कि भाई ये जो बंदा था वो हैकर था। तो देखो अभी इधर ये बंदे के सामने अपन किस तरह से सर्वाइव करते। चिकन मिलता है कि नहीं मिलता वो तो भाई अभी देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए मेरे को जोन के लिए निकलना था तो मैं सोचा कि सामने की साइड एक स्मोक कर लेता हूँ एंड थोड़ी देर इधर होल्ड करके जोन के लिए निकल लेंगे। अब यार मेरी HP भी इधर हाफ थी एंड मेरा हेलमेट भी खत्म था, इसकी वजह से यार इधर मैं प्रॉपर फाइट नहीं ले पाया इधर, नहीं तो भाई शायद से मार देता ये बंदे को। अब गाइस आज के वाले गेम प्ले में मैं कोई चिकन डिनर ऐड नहीं किया, क्योंकि हर बार अगर चिकन डिनर ऐड करूंगा मैं तो मेरी गलतियां भी नहीं दिखेगी। इसलिए कभी कभी मैं अपनी गलतियां भी दिखाता रहूंगा कि ऐसे ऐसे मैं चिकन डिनर मिस किया। सुबह से आज वाले गेम प्ले अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर कैसे भी नहीं होगा तो चैनल को सब्सक्राइब तो मार ही देना, एंड अगर वीडियो को ज्यादा पसंद है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल गाइस।